अच्छे लिरिक्स थे, कंपोज भी बहुत सुंदर किया है। किस तरीके से ये आप साथ में आए, क्या क्या सोचा आपने इस गाने से पहले, क्या थिंकिंग थी, वो सारी प्लीज शेयर करिए। एक्चुअली मुझसे ज़्यादा इस सवाल को सही जवाब दे पाएंगे अभिषेक भाई, क्योंकि ये पूरा उनकी उनकी प्लानिंग थी। मुझे बस स्टूडियो में बुला लिए, बोले गाना है एक कि हम लोग एक साथ दो गाने रिकॉर्ड किए थे उस दिन, और मैं जा रहा था उसी रात US जा रहा था। तो मैं कहा यार वो पैकिंग करना है, ये है वो है वो, बोला कुछ नहीं एक गिफ्ट है मेरे तरफ से, बाकी US में गुनगुनाते रहना। तो मैं आकर जैसे गाना सुना बस दिल आ गया कि नहीं इसको तो अभी गाकर ही जाना है। तो हम लोगों ने फिर गाने भी किए और वहीं एक लाइव वीडियो भी उन्होंने बना दिया, और काफ़ी हम लोग इस बात पर डिस्कस भी किए कि ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है। एक तो ऑब्वियसली एक अच्छा गाना जब होता है मकसद वही होता है कि मिलकर अच्छा गाना करें, लेकिन साथ साथ अभिषेक इज़ बिन स्टारिंग द मार्केट, इज़ बिन मेकिंग अ सर्टन यू नो प्लान। आई थिंक इट्स बेस्ट अभिषेक इफ यू टेल अस हाउ दिस सॉन्ग। थोड़ा सा मैंने धोखा किया शान भाई के साथ, धोखा मैंने ये किया कि मैंने इनको बताया नहीं कि एक ही दिन में हम दो गाने रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आई डिडंट वांट टू यू नो अपसेट हिम इन एंटीसिपेशन कि दो गाने कैसे करेंगे, शाम को फ्लाइट है। पर ऐसा है कि बहुत तरह के सिंगर्स होते हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने चार जनरेशन के सिंगर्स के साथ काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम आशा भोसले, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शान, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, एंड द करंट जनरेशन जिनके साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ। तो सिंगर की जो एक लंबे रेस का जो घोड़ा होता है ना, वॉइस विच इज एवरग्रीन एंड विच इज ऑलवेज फ्रेश, सो शान इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज वॉइसेस जो चार फिल्में आई दो साल बाद लोग भूल गए, ऐसी आवाज़ नहीं है, लंबे दौर की आवाज़ है। और मुझे ये लगता है कि मुझे लगने लगा था, हालांकि बहुत सी फिल्मों का म्यूजिक मैंने किया है, लेकिन फिल्मों में एक घुटन सा मैं महसूस करने लग गया हूँ, क्योंकि जब म्यूज़िक कंपनीज ये तय करना शुरू कर दे कि फिल्म में कौन सा गाना जाएगा, और फिर उस गाने का जो बलबूता है, जिस बलबूते पर वो गाना फिल्म में आता है, द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ सॉन्ग इन अ फिल्म, जिस बात से हम लोग कंफर्टेबल थे कि हम डायरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करें, सिचुएशन को समझें, उस सिचुएशन के लिए वाजिब गाना कौन सा है, कौन सी धुन सबसे अच्छी बैठती है, कौन से लिरिक्स सबसे अच्छे उस सिचुएशन के लिए अच्छे हैं, ये होता था एक गाना सिलेक्ट करने का यार्ड स्टिक कि उस बलबूते पर आपने गाने को लिया कि वो उस फिल्म को फिल्म पे चार चांद लगा देता है गाना। लेकिन अगर गाने को आप इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हो कि कौन सा गाना किस तरह से आ रहा है, वो सिलेक्शन प्रोसेस अगर कन्वोल्यूटेड हो जाए, जहाँ पे डायरेक्टर का कोई से नहीं है, फिल्म प्रोड्यूसर का कोई से नहीं है, क्योंकि म्यूजिक कंपनी का किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है, और उस रिश्ते के बलबूते पर एक गाना सर फिल्म में डाल दीजिए, तो उस गाने को आप प्लांट नहीं कर पाते फिल्म में, फिर वो गाना जबरदस्ती फिल्म में मिसफिट हो जाता है, मिसफिट। तो ये हालात कुछ ज़्यादा ही आजकल छाया हुआ है, इसके कारण जो है इंडिया की जनता इस बात से अवगत है, इस बात से परिचित है कि मेलोडी गायब हो रहा है, बाकी सब कुछ है, साउंड है, स्मार्ट अरेंजमेंट्स है, सब कुछ है, बट मेलोडी और लिरिक्स कि जो एक सिंपल और प्रोफाउंड बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण हम पुराने गाने आज तक गुनगुनाते हैं। हम कुछ भी कहें कि ये गाना आ गया, वो आ गया, अब पैसा लगा के यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाना वो गाने की पहचान नहीं है, गाने की एक अपनी उड़ान होती है, जो गाना कोई खर्चा नहीं हो रहा है जिसकी पब्लिसिटी पे, जो गाना लगातार चलते आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, लग जा गले एक गाना है, अब बच्चे से लेके बूढ़े तक उस गाने का जिक्र कीजिए, सबको पता है लग जा गले गाना है और सब गुनगुना देंगे। फिल्म कौन सी थी किसी को याद नहीं, सब भूल गए, आपको भी याद नहीं होगा, इनको भी याद नहीं होगा कौन सी फिल्म थी। तो हिंदी बस यही है, लता जी की आवाज में कमाल का गाना है, मदन मोहन जी का म्यूजिक है, कंपोजिशन है, ये सबको याद है। तो ये थी हिंदी फिल्मों के गानों की गरिमा, साधना की, गाना कहाँ तक चला जाता, गाने की उड़ान बंदी नहीं होती, उठते उठता ही जाता है गाना, फिल्म लोग भूल जाते हैं, युग बदल जाते हैं, लेकिन गाना चलता जाता है। दैट इज द पावर ऑफ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, अ गुड मेलोडी, एंड दैट कम्स फ्रॉम थ्री थिंग्स, लिरिक्स, कंपोजिशन, उन दोनों का जो सीमेंटिंग है लिरिक्स और कंपोजिशन का, वो अनायास ऐसा होना चाहिए कि गुनगुनाने का मन करे, एंड ऑफ कोर्स सिंगर इज दैट पर्सन हु गिव्स द सॉन्ग इट्स फ्लाइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा ही सरल सा है मामला, ये बहुत ही निर्लिप्त सा एक मामला है, जिसमें कोई करप्शन नहीं है, गाना करप्शन से नहीं बनता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप पैसा कमा सकते हो करप्शन से, लेकिन एक सुंदर मेलेडी, एक सुंदर गाना जो गाने का मन करे, वो करप्शन से नहीं बनता। गाना सिलेक्ट करने का जो बलबूता है वो सिर्फ टैलेंट होना चाहिए और कुछ और नहीं, और
इसी बात को सामने रख के मैंने ये तय किया है पिछले 2 साल से कि हर महीने एक गाना बनाऊंगा, किसी पे मोहताज होके नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, मुझे जो अच्छा लगे, जिसको मुझे लगता है कि ये गाना जनता को अच्छा लगेगा वो गाना मैं बना रहा हूँ। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए मिला क्योंकि पिछले साल मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड में जो बेस्ट नॉन फिल्म सॉन्ग ऑफ द ईयर था वो मुझे मिला, जिससे मुझे खुशी हुई और थोड़ी कॉन्फिडेंस मिला कि मैं इस तरह का काम फिल्म के अलावा ये भी कर सकता हूँ, सिर्फ फिल्मों पे मोहताज ना रहूँ। तो उसमें 2 गाने थे, एक गाना था ये दिल अजीब है, ये गुलजार साहब ने लिखा था और हरिहरन साहब ने गाया था, दैट वॉज द नॉमिनी। जो गाना जीता था सॉन्ग का लाया जहाँ आसमां, संग बाई श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। सो आफ्टर दैट आई बीन वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद गुलजार साहब, विद कविता कृष्णमूर्ति, आई हैव डन 2 more songs विद शान, एंड आने वाले मौसम में, इसी मौसम में आप एक और खूबसूरत सा गाना सुनेंगे जो बारिश का गाना है और बेहतरीन लिखा है अविनाश भाई ने। व्हाई आई लाइक अविनाश's राइटिंग इज बिकॉज मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी गुलजार साहब के साथ। मैं दिल्ली में था, मैं पढ़ रहा था और मैं टेलीविजन का म्यूज़िक करता था। आई मेट गुलजार साहब एक्सीडेंटली इन एन एयरपोर्ट, और उन दिनों ऑडियो टेप्स का ज़माना था, तो मेरे बैकपैक में ऑडियो टेप्स थे जिसमें कुछ मेरे कॉम्पोजिशंस थे। तो मैंने उनसे बोला कि आप तो बरगद की तरह, मैं एक नन्हा सा पौधा हूँ आपके सामने, मैं कुछ नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी तसल्ली के लिए ये टेप आपको मैं सौंप रहा हूँ। मुझे पता है आप नहीं सुनेंगे लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने गुलजार साहब को एक टेप दिया जिसमें मेरे कॉम्पोजिशंस हैं। तो उस तरह से वो टेप मैंने दे दिया, उसमें मैं भूल भी गया। और 3-4 दिन बाद जो है उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि दिस इज कुट्टी हियर, आई स्टिल रिमेंबर, गुलजार वुड लाइक टू टॉक टू यू। तो मैं तो गिर गया था, मैं भूल ही गया कि कोई चांस ही नहीं था। तो एक उस तरह से एक मेरा एक जर्नी शुरू हुआ जो मुझे बॉम्बे लेके आया, फिल्मों तक लेके आया। देन आई डिड फिल्म्स लाइक हासिल, पान सिंह तोमर, साहेब बीबी और गैंगस्टर, वेलकम बैक, आई एम कलाम, बहुत सारी अलग अलग विभिन्न तरह की फिल्में की। पर गुलजार साहब का जो योगदान रहा है वो ये रहा है कि मेरी हिंदी परिष्कृत है, मुझे अच्छे लिरिक्स अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत वाहियात लिरिक्स के साथ मैं काम नहीं कर सकता हूँ। और अविनाश के लिरिक्स में मुझे बहुत साल बाद एक अलग इमेजरी, जिसको कहते हैं ना कि फिल्म का लिरिक्स करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपने कठिन शब्द यूज़ किए, यू आर एलियनेटिंग योर ऑडियंस, ऑडियंस उसको जज्ब नहीं कर पाता। तो एक बहुत बड़ी बात को बहुत सहज शब्दों में बोल जाना, ये जो कला है ये कवियों के पास नहीं है। इसीलिए एक लिरिसिस्ट को मैं हमेशा कवि से ऊंचा दर्जा देता हूँ कि लिरिसिस्ट को मीटर, मेलोडी, गाने की जात क्या है, फिल्म का सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ समझते हुए शब्दों का चयन करना पड़ता है। और आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज लिरिक्स। एंड हमारा अगला गाना है बदरा हुआ मन, विच विल अगेन कम इन अ फ्यू डेज फॉर यू, एंड द रेस्ट शान विल टेल यू। पूरी तरह से एक तो अग्री भी करता हूँ, लेकिन साथ साथ हम लोग इतने सालों के दोस्त हैं, मुझे कभी पता नहीं था कि अभिषेक की हिंदी इतनी परिष्कृत है। बाप रे बाप, चेस्ट कोई शब्द होता है? चेस्ट भी होता है। हाँ, शुद्ध, बाप रे बाप, फैंटास्टिक। कि हम दोनों बंगाली हैं और दोनों अंग्रेजी में फुर करके बातें करते रहते हैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि दिल्ली के हैं और दिल्ली से ज्यादा आई थिंक ही एंजॉयज हिज हिंदी है, जो मैं आज समझ में आया। मुझे भाषा अच्छी भाषा ठीक लगती है। लेकिन अभिषेक रॉय के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि मैं जब से इनके साथ काम कर रहा हूं, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सरप्राइज मेरे सामने, ये जैसे आज ये सरप्राइज मुझे मिला है कि ना सिर्फ कंपोज करते हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो खुद बजाते हैं, खुद सारा पूरा जो गाना प्रोग्राम करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात है उनकी जो म्यूज़िकल इंटेग्रिटी है ना, उसे कभी नहीं छोड़ते। जो चीज़ म्यूज़िकल नहीं हो, जो चीज़ ज़बरदस्ती एक आजकल एक ट्रेंड है या हिट है या उस चक्कर में एक हर मेरे में भी है इनसिक्योरिटी हो जाती है, मैं भी सोचता हूँ कि आजकल जैसे गा रहे हैं उस तरह से गा दूँ, कुछ उस तरह से कुछ कर दूँ, ये मुझे कभी अलाउ नहीं करते। बोलते नहीं यार, जो तुम में है वो तुम में है, वो तुम्हारी चीज़ है, किसी और को नकल करके ना तुम वो बन पाओगे ना तुम खुद बन पाओगे। लेकिन बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, थैंक गॉड, but it takes a lot of courage to stick to your guns, to do what you want to do. So I think Abhishek, aise gine chune kuch composers hain jo apni cheez chahe kuch bhi ho jaye wo chhodte hain. Ujli bilkul bataiye ujli aapne kaise likha. Kai baar jaise shan ki bahut kamal ki ek baat kahi ki jo aapki apni khasiyat hai, har ek singer ki, lyricist ki ya music composer ki ek apni bunyadi khasiyat hoti hai, us बुनियादी खासियत को कभी आपको बाज़ार के दबाव की वजह से उसको चेंज नहीं करना चाहिए। मैं जैसा हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ, मैं जैसा लिखता हूँ,
मेरी रूह जिस बात से एग्री करती है मुझे वो लिखना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। फॉर्चुनेटली मेरी बहुत कैरियर की शुरुआत में मैं ऐसे दो दिग्गजों के साथ काम कर रहा हूँ जो वो करते हैं जो उनकी रूह कहती है, जो जो कभी भी मार्केट प्रेशर की वजह से अपनी बुनियाद को बदलते नहीं। तो मुझे लगता है ये बड़ी, और ये कॉम्बिनेशन जो पिछले 3-4 गानों में हमारा बना है, आप इसके जब भी आउटपुट देखेंगे, एक आउटपुट आपने आज देखा उजली उजली का, और दो हमारे गाने लाइंड अप हैं जो बहुत जल्दी आने वाले हैं, आप देखेंगे कि बहुत रूहानी तरीके से हर लफ्ज़ की एक जिस्मानियत होती है। उस जिस्मानियत को हमने पकड़ा है और उसको उसी खूबसूरती से शान दादा ने गाया है और उसको बहुत बहुत मेलोडियस तरीके से पिरोया है। लेकिन आज की जनरेशन की जो चाहत है उसको उस तरीके से परोसते हुए मुझे लगता है ये जो ब्लेंड करने की कला है ये अभिषेक के अंदर बहुत कमाल की है, कि वो रूह को जिंदा रखते हुए भी उसके जिस्म को इस तरीके से सजाते हैं कि वो लगे कि ये बिल्कुल आपकी बात है। आपकी बात क्यों, आपके लहजे में किस तरीके से कहा जाए, ये खासियत अभिषेक की हो। और आवाज़ के बारे में मुझे कहने का मुझे लगता है कि एक क्रिटिकल मास जो है ना गानों का, क्योंकि ये देश जो है मुझे लगता है मेलेडी प्रधान देश है। हम कुछ भी कहें, हमारे सारे लोग बच्चे बूढ़े मेलेडी पसंद करते हैं, और जो भी गाने वो गुनगुनाते हैं वो वही गाने हैं जिनको वो गा सकते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको आप सुन सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते, गुनगुनाने का मन नहीं करता है। तो जिस दिन वो, जब तक वो गाना हैमर होता है तब तक वो गाना लोग सुनते हैं, जिस दिन हैमरिंग बंद उस दिन गाना गायब। गाने वो टिक जाते हैं जिनका लिरिक्स और मेलेडी की जो चाट पकती है वो ऐसा पका हुआ है कि आपका बार बार गाने का मन करे, आपको कहीं अंदर से वो छू जाए। तो कंपोज़र होते हुए एक बात बताऊँगा, शायद गलत युग में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से डीजे होना ज़्यादा फ़ायदेमंद था आज के डेट में, क्योंकि दिन भर सोता रात में जागता, आसपास खूबसूरत लड़कियाँ होती, औरों के गाने बजाता और थोड़ा सा हिल धुल लेता, क्योंकि एक कंपोज़र बनने के लिए यू हैव टू नो इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल, जैज, फोक म्यूज़िक, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक, स्पेशली हिंदी फिल्मों का कंपोजर तो मुझे लगता है कि होल वर्ल्ड का सबसे डिमांडिंग काम है। Every genre is there in a Hindi film. You know, you cannot say, I don't do that, I don't do jazz, I don't do item numbers. You have to do everything, from a classical song to an item number to a jazz number. This is a very demanding kind of a profession in which you have to really be up, you know, thorough with your craft. और मैं फिल्मों का background scores भी करता हूँ, तो film making का एक total निचोड़ होना चाहिए आपके अंदर to be a composer. But increasingly जो हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम मेहनत में अगर DJ बन जाता, कुछ और बन जाता, तो शायद फाइनेंशियली बेहतर होती कंडीशन। पर खैर, ये जब गलती हो ही गई, जब बनी गया हूँ, तो धुनों की एक फितरत होती है जो आपको बताता हूँ। अ मेलेडी इज समथिंग दैट कम्स टू यू लाइक अ ड्रॉपलेट ऑफ रेन, और वो कब आती है, जब आप नहीं चाहते उसको आते हुए। यू आर ड्राइविंग अ कार, यू आर ट्रैवलिंग, अचानक एक धुन टपक जाती है जहन में, और वो धुन फिर आपको बार बार नैक करती रहती है कि मुझे जन्म दो, मुझे जन्म दो, मुझे जन्म। अरे भैया, नहीं जन्म देना है, कोई नहीं लेगा तुम्हें आज की डेट में, नहीं मुझे तो पैदा करो। तो ये बार बार एक आपको इम्प्रेगनेटेड हो जाते हैं एक धुन के साथ, फिर वो धुन आपको हॉन्ट करती रहती है, फिर एक पॉइंट पे आपको एक कगार पे वो ले आती है, जब वो कहती है कि नहीं गाना बनाओ, तब आप किसी लिरिसिस्ट का हाथ पकड़ते हो कि भैया ये धुन है, ये मुझे छोड़ नहीं रही अकेले, इसको शब्दों में पिरोयो और इसको मैं डमी लिरिक्स आपको दे रहा हूँ, आप इसको रिप्लेस करो। एंड देन अ मैग्निफिसेंट सिंगर कम्स योर वे हु इज रेडी टू कोऑपरेट एंड हू सेज ओके, इस गाने में मैं विश्वास करता हूँ, इस गाने को बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही सरल सा जिद है धुन की, एक बहुत सरल सी एक जिद होती है कि मुझे पैदा करो, मुझे गाने में परिवर्तित करो। तो उसी जिद से एक अच्छा गाना बनता है, उसमें किसी तरह का करप्शन, किसी तरह का ग्रीड, अरे मार्केट में ये चलेगा कि नहीं चलेगा, धुन ना समझ होती है, धुन को कुछ लेना देना नहीं है कि मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन मुझे ये लगता है, और मैंने देखा भी है, कि जिस धुन को आप निर्लिप्त होके बेखौफ होके बनाते हो, उसी धुन को ऑडियंस भी बेखौफ होके जज कर लेती है आसानी से। जो आप बहुत पैंतरे करके, अच्छा ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको चेंज कर दो, डेलिबरेशन बहुत ज़्यादा आ जाए धुन में, तो ऑडियंस उस धुन को रिजेक्ट कर देती है, मेरा ये मानना है। अभी के बारे में नहीं सोचते, जब आप मार्केट कंडीशन और मार्केट डिमांड्स के बारे में सोचेंगे, तो बहुत सिंपल सी एक फॉर्मूला है, जितने लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं उनमें से कितने लोग हैं जो म्यूज़िक समझते हैं, वो रेशियो बहुत कम है। तो अगर आप उनको मार्केट करें जिनको म्यूज़िक की समझ नहीं है लेकिन म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक एंटरटेनमेंट की तरह एंजॉय करते हैं, तो उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ये हम इस तरह के जो एक म्यूज़िकली रिच गाने बनाकर, लिरिकली रिच गाने बनाकर, किसी ट्रेंड को बिना फॉलो किए, बिना किसी अश्लील या हॉट वीडियो बनाते हुए, बिना किसी मार्केटिंग प्लॉय डाले जो डालेंगे ना, इट विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विथ
विद द सॉन्ग्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड ओनली टू गेट द व्यूज़, और अगर नहीं भी मिले तो उसके लिए व्यूज़ फ्री दे भी जाते हैं, जो भी हो, बट इट्स वेरी सिंपल। अगर हम एक गाना इस तरह से बनाते हैं ना कि जिसमें सिर्फ मस्ती हो, जिसमें सिर्फ एक तरह का एंटरटेनमेंट हो, जिसमें म्यूज़िक की जो रेशियो बहुत कम हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक कैच हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा चलेगी, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि उसमें म्यूज़िक नहीं है, वो एंटरटेनमेंट हो गया। किसी भी चीज़ को आप प्योरिटी से निकाल कर एडल्ट्रेट कर देते हो, उसको ईजी कर देते हो, तो और जो आम अच्छा इंसान है ना, उस चीज़ को हजम करने में और आसानी हो जाती है उसके लिए। एंड बिसाइड्स वी आर नॉट नेगेटिव, वी आर नॉट, तो वो एक अलग, वो एक बिजनेस है और ये एक म्यूजिक है, तो हम वो बिजनेस है और वो उनको करना ही है, अगर वो बिजनेस नहीं करेंगे तो फिर हाँ उनका कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है कि झुकाव है, मतलब ये एक एडिशन पैरेलल लाइन है जो मैं फिल्मों में, बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ, फिल्मों में सारे डायरेक्टर्स को सेटिस्फाई भी कर रहा हूँ, बट उसके अलावा कुछ गाने अतिरिक्त रह जाते हैं ब्लैक बॉक्स में। जो क्या हो रहा है ना सर, आज के डेट में फिल्मों का जो गानों का जो बैंडविड्थ है ना, जो पहले एक ही फिल्म में रहना बीती जाए थी, उसी फिल्म में कुछ तो लोग कहेंगे, उसी फिल्म में ये क्या हुआ, ये जो एक स्पैन था जिसमें पिया थू अब तो आजा के लिए भी जगह है, जिसमें कुछ तो लोग कहेंगे के लिए भी जगह है, ये जो एक दायरा था, एक कैनवस था जिसमें हर तरह के गाने आते थे, कजरी हो, क्लासिकल हो, आइटम नंबर हो, अब इंक्रीजिंगली एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि अगर डांस नंबर हो तो ही हम गाने को रखेंगे, वरना वो गाना नजर नहीं आएगा। तो मैं ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ कि पूरे भारतवर्ष के सारे लोग जो हैं वो नाचते हुए ही गाना सुनते हैं। कुछ लोग तो गाने भी सुनते हैं, कुछ लोग नाचने के लिए सुनते हैं, तो आप फिल्मों में सिर्फ ऐसे गानों को क्यों प्रमोट करोगे जिस ओनली डांस नंबर्स हो, तो आप बाकी सारे गानों का गला घोट रहे हो, तो वो गाने भी तो सामने आने चाहिए। और अब मैंने यू नो आई हैव एस्टैब्लिश्ड माय ओन म्यूजिक लेबल नाउ, एआर म्यूजिक, तो इसमें आई एम नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनीबडी। दिस शान सॉन्ग उजली उजली इज ऑन एवरी स्टोर, फ्रॉम आईट्यून्स टू एप्पल म्यूजिक टू डीजर, स्पॉटिफाई, गूगल प्ले, अमेजॉन। सो टुडे द एडवांटेज इज एज अ कंपोजर, एज अ प्रोड्यूसर, आई हैव द एडवांटेज ऑफ पुटिंग माई सॉन्ग ऑन एवरी स्टोर पॉसिबल वर्ल्ड वाइड। अब आप अगर आपके गाने में दम है, अगर आपके गाने में वो बात है, तो वो दूर तक जाएगा, लंबी रेस का घोड़ा होगा, और अगर आपका गाना छिछला है, लोगों को पसंद नहीं आया, तो गाना गिरेगा। सो एटलीस्ट इट्स एन ओपन मार्केट। पहले क्या होता था कि हम सीडीज रिलीज करते थे, म्यूजिक कंपनी जाके सीडी को शेल्फ तक रख के आती थी, फिर आपको फॉलो अप करना पड़ता था कि अरे मेरा दिख रहा है कि नहीं, और सीडीज के पीछे चला गया क्या, शेल्फ लाइफ कौन सा है, ये सामने रखो मेरे सीडी को, पीछे मत रखो, अरे नजर नहीं आ रहा है, ये दौर था। उस दौर से निकल के हम डिजिटल दौर में आ गए, म्यूजिक इज एंटायरली डिजिटल टुडे। सो इफ योर सॉन्ग हैज पोटेंशियल, योर सॉन्ग विल बी देयर ऑन द शेल्फ्स ऑफ एवरी इंटरनेशनल म्यूजिक स्टोर। आगे आपकी किस्मत और आगे आपका टैलेंट। अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि बड़ी बड़ी फिल्मों में आप काम कर रहे हैं सर, आपने ऑलमोस्ट सभी के साथ गाया, सब हर एक अभिनेता के लिए गाया है, तो जब आप उनसे पर्सनली मिलते हैं, या फिर जिन गानों में निंदा हो रही है, या फिर जिनसे शिकायतें हैं। निंदा नहीं हो रही है, मैं किसी बात की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मार्केट फोर्सेस थोड़े चेंज हो गए हैं, तो हमें भी कलाकार होकर उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बुरा है वो अच्छा है, एक चीज सीमित हो गई है, तो जो बाकी गाने हैं उनको एक लीज ऑफ लाइफ देने के लिए हम एक अलग ट्रैक ले रहे हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पे हमारे अंदर जो कहीं बसी हुई चीज़ें थी, जो निकल नहीं पा रही थी, जो अंदर उलझी हुई थी, तो उनको हमारे पास निकालने के लिए अब माध्यम आ गए, प्लेटफॉर्म आ गए, इसलिए उनको धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। करेक्ट, और नॉन फिल्म म्यूजिक इसलिए भी बड़ा होगा, ये कोई निंदा नहीं है। एक और बात है कि जितने भी नए डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनका इंटरेस्ट स्क्रिप्ट में है, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बैकग्राउंड स्कोर में है। गाना कौन सा गाना कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, वो ट्रेंड एक तरह से डिमिनिशिंग ट्रेंड, क्योंकि एवरीबॉडी इज फॉलोइंग हॉलीवुड, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यू आर कम्पीटिंग विद हॉलीवुड फिल्म्स टुडे। तो हॉलीवुड फिल्म से आप कम्पीट कर रहे हो, तो फिल्मों में गाने की अहमियत तो वैसे ही गिर गई, उससे भी ज़्यादा गिर गई लिपसिंक की अहमियत। आप देखेंगे, आप सब देखेंगे कि लिपसिंक वाले गाने पहले कितने होते थे, आजकल कितने होते हैं, तो डिमिनिशिंग ट्रेंड है। डिमिनिशिंग ट्रेंड के हिसाब से एज एन आर्टिस्ट इफ यू आर नॉट अडेप्टिंग देन यू गो एक्सटिंक्ट। तो ये एक अडेप्टेशन है, ये कोई निंदा नहीं है, ये किसी चीज़ को मैं नकार नहीं रहा हूँ, फिल्में भी बहुत सारी कर रहा हूँ, नॉन फिल्म म्यूजिक भी बहुत सारा करूँगा। शुरुआत वहीं से हुई थी, तन्हा दिल वो सच एन एपिक सॉन्ग, तन्हा दिल तो बचपन से सुनने वाला गाना है हमारा, ऐसा एपिक गाना। नहीं, एक्चुअली जब ये डिजिटल का ट्रेंड आया और यूट्यूब हिट्स वाली बात आई, तो मैं भी काफी सालों तक बौखला सा ही गया था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं काफ़ी कन्विंस था कि अगर कुछ चलना है, मतलब मास लेवल पर हमारे लाइव शोज़ में अगर गाना गाने वाली
नौबत कोई गाना ले आती है तो बड़े फिल्म की गाने ही होती है, विच इज़ द ट्रूथ, विच इज़ द फैक्ट। और मैं कई बार ऐसा सोच रहा था कि यार क्या फ़ायदा है करके, क्योंकि ना हम उस तरह से जो बड़े कंपनीज हैं तो उनकी जो एक रीच होती है तो उस पर, और आजकल हर चीज़ को लोग गाने से कंपेयर नहीं करते हैं, उसकी व्यूज से कंपेयर करते हैं कि हर कोई यार वो जैसे पंजाबी गाने होते हैं तो कोई भी लाता और मतलब 100 मिलियन व्यूज तो कहीं नहीं गए, 30, 40, 50 मतलब एक अलग ही मार्केट है। वहाँ हम अपने गाने डालते हैं तो उसमें 4 लाख व्यूज आते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, 500,000 पहुँचे, अरे बाप रे पार्टी करने की दिल करता है। तो सो बट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि आपकी जो एक जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, आपको एज अ आर्टिस्ट सोचते हैं ना, दैट इज़ बीइंग कंपेयर्ड बाय व्यूज। मुझे किसी ने बताया भी यार यू डोंट ट्रेंड सो मच, जब आपका कोई गाना आया तो उस तरह से लोग, तो मैं उसमें काफ़ी उलझा रहा कि इसका क्या करे क्या ना करे, फिर सोचा कि उस तरह के गाने बना लूँ जो ट्रेंड होते हैं, या फिर ज़रा जाके पूछताछ लगाऊं कि कितने में कितने व्यूज़ मिलते हैं, मार्केट क्या कह रहा है। फिर मैंने सोचा कि इतने सालों की जो भी थोड़ी बहुत मेरी एक मैंने एक स्टैंडिंग है, छोटी बहुत जो भी हाँ एक ब्रांड बनाई है, इक्विटी बनाई है, वो सच्चाई में बनाई है, वो बिना किसी मार्केटिंग किए, बिना किसी को, बिना किसी PR कंपनी को एक पैसा दिए, तो क्यों अब इन चीज़ों में जाऊँ। तो चलो कुछ नहीं, बैठे रहता हूँ घर पर। फिर लगा कि यार ये भी गलत है, चलो कम ही सही, लेकिन जो भी हमारे जिस तरह के गाने हम पसंद करते हैं, जिन कंपोजर्स को मैं पसंद करता हूँ, जिस तरह की म्यूज़िक को मैं पसंद करता हूँ, उस तरह के गाने अगर गाऊँ, 4 लोग ही सुने, 6 लोग ही सुने, कुछ तो अच्छी चीज़ उनको मिले, बाकी नहीं तो बाकी सब हम बंद कर देंगे ये सब करना। तो उस 100 मिलियन 200 मिलियन पे हम कम्पीट नहीं करें, छोड़ देते हैं उस बात को, वो उनको मुबारक और अच्छी बात है कि लोग इतने लोग उनको सुन रहे हैं, लेकिन हमें ये इतना भी खुद पर विश्वास होनी चाहिए कि हम एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं और हमारे सुनने वाले भी अच्छे हैं। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब आप, मैं पहले भी कह रहा था कि संगीत इज़ नॉट जस्ट म्यूज़िक, इट्स ऑल्सो एंटरटेनमेंट, बट उसमें अच्छाई हो, उसमें सच्चाई हो, वो जब आप गाना सुने ना आपके मन में अच्छी थॉट्स आएँ, और अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप बाहर जाके बात करें, कोई बात नहीं नसीम भाई, आपको तो मैंने गाड़ी रोक कर आपको हाथ दिखाया था लेकिन आप बहुत बिजी हो, कोई बात नहीं। तो ऐसी चीज़ें लोग ना करें, आप जहाँ हो आप उस लम्हे को एंजॉय करें, ना कि बार बार मन में सिर्फ यू नो नेगेटिव थॉट्स चले या अश्लील थॉट्स चले। इसके वजह से सोसाइटी पर एक बहुत ज़्यादा इसका एक असर हो रहा है, वी डोंट रियलाइज दिस, बट म्यूज़िक डज, एक 4 मिनट के गाने में आपका मूड बदल सकता है। आप एक अच्छे भले इंसान हो, एक गाना ऐसा सुन लिया कि दिल कर रहा है कि अभी जाके कुछ मस्ती करूँ, कुछ खुजली करूँ, 4 ज़्यादा एक दारू पी लूँ, किसी लड़की को छेड़ूँ, ये फील आ जाती है। और ये मैं नहीं कभी भी चाहूँगा, कतई नहीं चाहूँगा कि हमारे किसी गाने के ज़रिए किसी पर किसी तरह का गलत हो, किसी चीज़ की अपमान हो। तो इसलिए इतने सालों में जो कुछ भी किया हूँ, आई ट्राई टू कीप इट विद इन द जॉनर ऑफ गुड पॉजिटिव म्यूज़िक। तो ये जो आप कह रहे हैं नंदा नेगेटिव निंदा नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं जाना, सिर्फ पॉजिटिव में रहना है और पॉजिटिव म्यूजिक बनाना। जैसे ये गाना This is an additive thing. इतनी अच्छाई है, मुझे लगता है over and above what we are doing in the industry, this is over and above films. This is an additional channel which we want to explore. Explore and spread good music, good music, good vibes, positive energies, you know, clean feeling. नहीं तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आज भी मैंने बॉडी मैंने ऐसे बनाया, एक दिन शर्ट उतारूंगा तो लोग हैरान हो जाएंगे, लेकिन मुझे वो नहीं करना है यार, वो सब चक्कर हाँ क्यों करे, वो सेहत के लिए करता हूँ यार। हाँ विजय, इनकी आप ताप देखे हो तो ये क्या 6 पैक बना दो तेरे नोम नोम करके घूमेंगे, नहीं भाई वो तो हर कोई कर सकता है। जानना आपसे यही चाहते हैं कि आप जब इन सिंगर्स से मिलते हैं, आपके जो अभी जो गाने चल रहे हैं, जो म्यूजिक, कहाँ कोई मिलता है किसी से आजकल यार, तुमसे बोल पाते हैं आपके यार, तुमने जो वो वाला गाना बनाया थोड़ा उससे ऐसे गाने मत बनाओ थोड़ा ऐसा, अगर कभी मिलूँ तो कहूँगी अच्छा गाना है मुझे कभी गवा दो। मुझे एक और बात, ऐसा थोड़ी होता है, जिसको जो पसंद है, जिसे जो सही लगता है ना वो करें, हम किसी को रोकने वाले कौन होते हैं, खुद को रोक सकते हैं, एक और खुद की डिग्निटी रखकर चल सकते हैं बस। शान जी के साथ सहमत हो कि मैं एक और बात रखना चाहूँगा, ये फेमिनिज्म का दौर है, चारों तरफ फेमिनिस्ट भरे हुए हैं और छोटी छोटी बातों पे उनको आपत्ति हो जाती है कि ये गलत था वो गलत था। एक बात जो मुझे अंदर से बहुत गलत लगता है, लेकिन कोई भी फेमिनिस्ट इस बात पे आपत्ति नहीं करती है, पता नहीं क्यों। मैं फिर से कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक ऑब्जर्वेशन है कि 95% गानों के लिरिक्स, अगर मैं ब्रीफ करूं किसी लिरिक्स को, लड़की दारू गाड़ी पार्टी, ये 4 वर्ड्स हैं मेरे पास ब्रीफ करने के लिए, प्लीज़ गाना लिख दीजिए। दूसरा गाना क्या आपका ब्रीफ है, लड़की शॉर्ट स्कर्ट दारू पार्टी लॉन्ग कार,
तीसरा गाना उसमें से एक गुच्ची का बैग ऐड कर देता हूँ, चौथा गाना मैंने कौन सी घड़ी पहनी है वो ऐड कर देता हूँ। ये आपकी ब्रीफिंग है और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पिछले एक साल में ज़्यादातर गाने उनके लिरिक्स पे थोड़ा तवज्जो दीजिए कि क्या लिरिक्स हैं। ये चार पांच शब्द जो मैंने बोले ना, ये हाईलाइट्स हैं उन सारे गानों के। तो मैं ये भारतवर्ष से पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जो फेमिनिस्ट्स हैं उनको ये नहीं लगता कि एक गाड़ी, एक घड़ी, एक बैग के साथ मैं एक लड़की को प्लेस कर रहा हूँ? दिस इज द हाइट ऑफ कॉमोडिटाइजिंग अ वुमन। जैसे गाड़ी है, जैसे घड़ी है, जैसे बैग है, वैसे लड़की है। और लड़की कुछ करती नहीं है, पूरा पूरी वीक वो बैठी रहती है कि कब सैटरडे आएगा और कब वो डांस करने जाएगी। इज दिस द रियल पिक्चर ऑफ इंडियन वुमेन? आई सैडली थिंक इट्स नॉट द ट्रू पिक्चर। इट इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ कल्चर विच इज बींग थोपा जा रहा है और बहुत से लोग इस बात में खामोश है, उनको खामोश नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द हाइट ऑफ कॉमोडिटाइजिंग अ वुमन। हमने हर तरह के गाने देखे हैं पिछले 30 सालों में, और अगर आप एक सेक्सी गाने बना रहे हो, सेंसुअल गाना बना रहे हो, उसको भी करने का एक कायदा होता है। रूप तेरा मस्ताना जबरदस्त सेंसुअल गाना था अपने जमाने का। सेंसुअल गाना हमने लर्जिश लिखा है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमने एक सारे गाना किया लर्जिश, इट्स अ सेंसुअल सॉन्ग, अन्वेषा ने और मैंने गाया है वो गाना, सुनना। तो लेकिन क्या है कि हर एक चीज़ को करने का एक कायदा होता है। एक इंडिया की लड़कियाँ सब ऐसी इतनी भी बेकार नहीं है कि पूरी वीक वो घर में बैठी रहती है कि सब सैटरडे को जाके नाचेगी। वीमेन आर नॉट दैट। या बड़ी गाड़ी दिखा दो और बड़ा, या एक घड़ी दिखा दो, गाड़ी दिखा दो तो लड़की भाग के आ जाएगी। तो ये जो आप लिरिक्स प्रमोट कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? इट्स एडिंग टू दिस सोसाइटी में जो ये, आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल स्ट्रेटा ऑफ ऑडियंस। ये तबका जो है, ये तबका इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा सा तबका है जिसको आप, डेंजरस तबका है। हाँ, उस तबके को संतुष्ट करने के लिए आप पूरी देश का एक इमेज क्रिएट कर रहे हो जो विदेशों में भी जाता है। बिकॉज इंडिया इज नोन अब्रॉड बाय बॉलीवुड सॉन्ग्स, इंडिया इज नॉट नोन अब्रॉड बाय आवर फिल्म्स, क्योंकि उनकी जो फिल्में हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको 50 साल चाहिए। बट हमारी अभिषेक, अगर आप बॉलीवुड के, हॉलीवुड के भी, मतलब अगर आप वहाँ का भी चार्ट्स देखें, यू सी द टॉप सॉन्ग्स, करेक्ट, दे आर ऑल्सो अराउंड द सच कमोडिटाइजिंग वुमेन एंड सो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन सोसाइटी। ये 2 साल पहले लिया था, अपार्ट फ्रॉम शान वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, देर इज अ लॉट ऑफ नेम्स हू हैव डन सॉन्ग विद मी इन द लास्ट 2 ईयर्स, जैसे कविता कृष्णमूर्ति, जैसे अलका याग्निक, जैसे गुलजार साहब, मैंने 32 गाने किए उनके साथ, देर इज हरिहरन साहब, देर इज सोनू निगम, देर श्रेया घोषाल, उनके साथ मेरे सबसे ज़्यादा सिंगल्स श्रेया के साथ हैं। तो ये सारे सिंगर्स जो है, मुझे लगता है कहीं कहीं अंदर से अतृप्त रहते हैं एक अच्छे गाने के लिए। एक सिंगर का भी तो मन करता है कि एक गाना निभाऊं जो मेरा मन करे, जो मुझे सुकून दे, मुझे तसल्ली दे, मुझे रूहानी अच्छा लगे गाना गा के। तो आई थिंक दिस नॉन फिल्म स्टैंडिंग दैट वी आर डूइंग इज बेसिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ म्यूजिक, एंड अ लॉट ऑफ सिंगर्स विल गेट अटैच टू दिस, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनको अंदर से अच्छा लगता है। हर अच्छे सिंगर को मुझे लगता है उसके होठों पे कहीं प्यास ठहरी रहती है, वो चाहता है कि उस प्यास को बाहर लाना उसके अंदर की जो। एक और बात कहना चाहूँगा, बहुत जरूरी है, फिल्मों के गानों के का जो स्तर होता है, उसमें जो पैसा डाला जाता है, उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू होता है, हम अपने नॉन फिल्म सॉन्ग में एग्जैक्टली वही प्रोडक्शन वैल्यू डाल रहे हैं। हम ऑडियंस को ये नहीं कह रहे कि ये गाना सस्ते में बना है या इस गाने में कम खर्चा हुआ है, आपको वही साउंड मिलेगा, शायद उससे भी अच्छा साउंड मिलेगा, क्योंकि अपना साउंड डिजाइन अरेंजमेंट्स में खुद करता हूँ। तो फिल्म के गाने में जो डालता हूँ मसाला, वही डालो नॉन फिल्म में, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसमें, कोई क्वालिटी का ऊपर नीचे नहीं है, ऑडियंस के लिए वही क्वालिटी है। इसमें एक फिल्म है, इसमें आर्टिस्ट है। थोड़ा सा इस मुद्दे से अलग हटकर है, लेकिन वाजिब है, पूरे देश में आरक्षण को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कि जो आरक्षण है वो जातिगत हो या फिर आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन को? नहीं, बिल्कुल आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशंस भी होनी चाहिए, और जो 10 साल या 15 साल तक की बात थी, 20, 25, 70 साल हुए हैं, मुझे लगता है कि एक तब तक अगर कोई उससे उभर कर नहीं आया, अभी 2-3 जनरेशन आई थिंक एस सी एस टी या जो भी अलग अलग आरक्षण के लोग हैं उसमें फंसे हैं, हम फंसे बोले उसका उनको ऐसा लाभ नहीं हो पाया शायद उस तरह से नहीं हो पा रहा है, या जो भी, दे शुड डू अ प्रॉपर सेंसिस, फाइंड आउट। बट अगर आर्थिक
हिसाब से करें ना तो आई थिंक इट विल बी मोर सेंसिबल, लेकिन उसमें चीटिंग भी हो सकती है, पता नहीं कैसे कर पाएंगे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। मुझे तो लगता है कि जितना हो सके मेरिट पर लोगों को आप चांस दें, और मेरिट वाले और मतलब अपनी मेहनत करें और उसका फल मिले तो वो खुश होंगे, नहीं तो बेचारे यार वो 90 पाते हैं और फिर 40 में कोई आगे निकल जाता है तो कहीं ना कहीं आई एम नॉट, मतलब इस पर मेरा कोई एक सिंपल थॉट है जो कह दिया, क्योंकि आप भी इंडिया के निवासी हैं सारी चीज़ें, नहीं नहीं क्योंकि क्या है कि हमारी इतनी सारी जो बातें हुई हैं ना इससे तो व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ हम कह देते हैं जिससे आप लोगों को व्यूज़ मिल जाए। अब क्या है 45 साल तो गुजार चुका हूँ तो मुझे पता है कि अभिषेक ने अपनी दिल की बात बहुत दिल से कही है, और ये बातें जो सुनेंगे ना वाकई उनके दिल तक वो बात पहुँचेगी, लेकिन सब्र नहीं है लोगों को आज की तारीख में, तो उनको कुछ आप अजीब चीज़ें बता दो ना, वहाँ अभिषेक रॉय अपसेट विद फिल्म इंडस्ट्री, आपको कुछ व्यूज मिल जाएंगे उस चीज़ को, और इस तरह से ही होता है। अच्छा फिर भी आप बताइए। बस सर यही था कि सरकारें जो हैं वो एक के बाद एक आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन कोई इस तरह का स्टैंड जैसा बता रहे हैं वैसे कोई ले नहीं पा रहा है, तो एक पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं कम पड़ा। हमारी इस बार की सरकार काफ़ी 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 ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिनसे लोगों को लगा था कि शायद उनको लाभ नहीं होगा, लेकिन इट्स वर्क फॉर देम। हाँ मुझे लगता है कि ऐसे कई कदम अब की सरकार ने उठाई है जो शायद उनके वोट बैंक के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी देश के हित के लिए उन्होंने काफी सारे कदम, पॉलिटिकल विल पावर के तहत वो चीज लगी। और आपने आरक्षण की बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था से प्रतिभाओं का हनन नहीं होना चाहिए। अगर कोई रियल टैलेंट है किसी भी जात का है किसी व्यवस्था से अगर वो ताल्लुक रखता है तो सिर्फ आपने एक अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्था बना रखी है, इसकी वजह से उसके अंदर का टैलेंट मरना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो कुर्सी पे बैठा हुआ सत्ता का सत्ताधीश है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी समाज के आखिरी छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का भी उसके टैलेंट का हनन ना हो, ये उसकी। एक और बात ये है कि देखिए विविधता में एकता का देश है ये विविधता में एकता का देश है, बहुत अलग अलग जाति के लोग अलग अलग ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर हर कोई अपना आरक्षण मांगना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि ये देश तो एक देश रह नहीं पाएगा, ये फिर 14 देशों में बंट जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो नजर आती हैं जो इस देश को बांटना चाहते हैं, हम सबका ये नैतिक दायित्व है कि हम उन शक्तियों के खिलाफ खड़े हो जाए, और ये एक मिरेकल है कि इंडिया एक इतना बड़ा नेशन, इट्स अ मिरेकल ऑफ नेचर, इज स्टिल टुगेदर। इफ यू लुक एट लॉजिक, लॉजिकली तो हमको एक साथ होना ही नहीं चाहिए, सबकी भाषा अलग है, सबका पहनावा अलग है, सब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं, क्यों है? इस मिट्टी में एक कमाल है, खूबी है इस मिट्टी की, मिट्टी के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। तो उसका जो सूत्र है वो सुनता है। उजली उजली ख्वाहिशें हैं अब हमारे तुम हुए, रात सिमटी दिन अधूरे अब मुकम्मल सब हुए। बिल्कुल 15 अगस्त आ रहा है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू द एंटायर कंट्री, टू ऑल अस इंडियंस, एंड मे वी ऑलवेज पुट आवर कंट्री फर्स्ट, हमेशा देश के हित में काम करें, देश के हित में आगे बढ़ें और इस देश को खूबसूरत बनाएं। साथ में मिलकर कोई 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 गाना सर, कौन सा गाना? हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए। क्या बात, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू सो मच।